योगी आदित्यनाथ जी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए श्रीगंगानगर के लोकसभा प्रत्याशी भाई ज्ञानचंद के पक्ष में 2 तारीख को राइट 10 बजे या लैंड करेंगे और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार जो जो जिसकी जिम्मेवारी है किसी को कहाँ से लड़ें कहाँ की क्या व्यवस्था है पानी की बिजली की सबकी व्यवस्था अलग अलग से बांट दी है और हमारा जो जाट मासबा के धर्मशाला है बस अड्डे के नज़दीक उसमें हमने उनका प्रोग्राम करवाना तय किया है और बड़े ज़ोर शोर से हमारी तैयार चल रही है और हो सकता है कि इस जो भीड़ होगी वो लोगों को अचंभित करे क्योंकि योगी के नाम से लोगों के अंदर जोश है क्योंकि आज देश के अंदर नेता ही मोदी योगी माने जाते हैं जिसके कारण से हमें भी सौभाग्य मिला है और जो रावस्त्र की धरा है ये बहुत ही बाबा खेतरपाल की धरा है या हमें रितम्बरा जी का बाबा रामदेव का साहब सिंह वर्मा का वसुधरा जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनेकों पुराने नेताओं के देवीलाल चौधरी देवीलाल जी के अनेकों नेताओं की जब भी चुनाव में होती है या सभा होती है ये हमें सौभाग्य है कि भी हिंदुस्तान के टॉप लीडर या संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं और वही सौभाग्य हमें योगी जी की सभा के मिले हम भाग्यशाली हैं कैसे महान प्रवृत्ति की जो यूपी के सीएम हैं उनकी सभा का मौका मिले और हम जोर शोर से इसमें तैयारियाँ लगी हुई है। राजस्थान में आप ही राजस्थान में सरकार मान रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि सरकार झूठा नारा दे करके झूठी बातें करके लोगों को ठगने की बात की है। कांग्रेस का राज यदि आता जनता के मन से तो हो सकता है बीजेपी की 20-25 सीटें आती। जब इन्होंने ये कहा था कि हमें एक दो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 1, 2, 3, 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं तो सीएम चेंज कर देंगे, यदि उनका हिसाब करें तो अब कम से कम 10 सीएम बदले जाते थे। पर इतने झूठे मकार काश्तकारों को इन्होंने छलावे में लेकर के, हालांकि मैं तो मेरे पीलीभीतंगा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही लंबी सोच के जिन्होंने झूठी बातों में ना करके मेरे जैसे जान व्यक्ति को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ कि आप झूठे छलावों में नहीं आए। पर अन्य जगह लोग ठगे गए और आज जो कर्जा माफी की बात है वो एक छलावा किया है। आज किसी मैं हर सभा में कहता हूँ, हाथ खड़ा कराता हूँ, किसी के 2 लाख रुपए माफ़ हुए हैं तो बता दो ताकि मैं घर चला जाऊँ। पर आज तक कोई आदमी, मैं तो कांग्रेस को भी चैलेंज करता हूँ इस बात में, आप 2 लाख रुपए माफ़ वाले एक व्यक्ति मुझे ला दो, मेरी विधानसभा में एक व्यक्ति मुझे ला दो, मैं मान लूंगा इन्होंने कर्जा माफ़ किया। जब जो कर्जा सहकार समिति माफ़ करने की बात कह रहे हैं उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 50,000 रुपये 2 हेक्टर तक के किसानों को माफ़ करेंगे और उसके बाद हाथ खड़ा कराता हूँ तो लगभग सभा में हाथ खड़े होते हैं क्योंकि 50,000 रुपये प्रत्येक खाते में माफ़ हुए थे। जो थोती घोषणा है उसके कारण से राज है, मैं तो राज मानता नहीं है, ठगी का। और अब हमारे क्षेत्र की नहीं पूरी गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की जनता समझ चुकी है जो 72,000 रुपये का नारा दिए एक झूठा का पुलाव कांग्रेस राज वगैरह दी होगी है। और मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि जो पिछले राज में इन्होंने झूठ बोल करके ठगी करके राज स्थापित किया उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, इसमें कोई शंका नहीं है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा होगा जो प्रमुख है? बीजेपी के मुद्दे मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ यदि मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था की है तो बीजेपी की राज भी है। चाहे पेयजल की बात है, गांव के और ढाणियों के अंदर पेयजल की व्यवस्था की है तो 70 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, 70 साल में कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया है। यदि सड़क की बात करूँ तो सड़क की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी राज में की है। मैं धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने 1,000 की आबादी 500 की आबादी 250 की आबादी की लाइन डाली और आज 100-150 की आबादी तक और जितनी भी सड़कें बनी है 80% भारतीय जनता पार्टी की राज बनी है और पैदल की गाँव के अंदर धानियों के अंदर व्यवस्था बनी है, SR की वगैरह भारतीय जनता पार्टी की राज बनी है। चाहे भैरू सिंह राज के भैरू सिंह जी का शिकायत उत्तर का राज हो चाहे वसुंधरा जी का राज हो, और उसके बाद स्कूलों कांग्रेस की तो सोच ये रही है कि हिंदुस्तान का नागरिक को समझदार ना बन जाए, पढ़ लिख ना बन जाए, यदि ये पढ़ गया लिख गया तो ये हमारे को वोट देना बंद कर देगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने सड़क से जोड़ करके और उस धाणी में जो मेरा भाई बैठा है जो कभी भी लाइट की कल्पना नहीं करता था उस धारी में ग्रुप स्कीम में हमने 2003 से 2008 में लाइट लगाई थी और अब दीनदयाल उपाध्याय योजना में उस धारी में भी चारना हो रहा है। लाइट की व्यवस्था की है तमंत्र पार्टी राज में हुआ है, पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी राज में हुआ है और सड़क की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। ये मैं दावा कर सकता हूँ। ये देखो कांग्रेस 60 साल के अंदर बता दे कि हमने ये काम किया। ठीक है, रोजमर्रा का काम होता रहता चलता रहता है,
खैर हाईवे की बात करें और सड़क सुधार की बात करें, चाहे नो रोड है, चाहे जयपुर टू हनुमानगढ़ रोड है, चाहे राव से टू पीलीभीतगा रोड है, ये सब रोड है भारतीय पार्टी के राज में। आप क्यों कौन सी राज की बात करते हो? हमारे पास मुद्दे अनेक है, हमारी जो सोच है विकास की सोच है, हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसके साथ साथ आज की जो व्यस्त है आम आदमी की सोच है वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रति है, उनका लगाव है, जो हिंदुस्तान का मान सम्मान कायम किया है नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, और हिंदुस्तान को निचले पायदान से ऊंचे पायदान पर ले गए हैं तो भाई नरेंद्र भाई मोदी ले गए हैं। और आज यदि 2019 में नरेंद्र भाई मोदी वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर के साथ कह सकता हूँ कि भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं। कांग्रेस जिस प्रकार से आई थी राज में किसानों का नाम लेकर या किसान कर्ज माफी के नाम से लेकर, किसान कर्ज माफी तो हुई नहीं, तो अब कांग्रेस को क्या सोचते हो आप, कांग्रेस कितनी बुरी तरीके से हारने वाली है? कांग्रेस राज बगैर अंधी हो गई है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस झूठ बोल करके झूठी बातें करके 60 साल तक शोषण करके जनता का झूठा वायदा करके शोषण करके राज स्थापित कर लिया, आज वो राज बगैर अंधी हो गई है। जो उसने देखा भी ये 2 लाख रुपए वाला तो अब फेल हो रहा है, तो उन्होंने कहा 72,000 रुपये खाते में डालेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, मैंने कई आस्थासियों की बातें पढ़ी है, यदि 72,000 कुल आंकड़ा देखे तो पूरे हिंदुस्तान का बजट और उस 72,000 का आंकड़ा एक जितना है, इसलिए कोई संभव नहीं है ये बात। तो पर कांग्रेस अब कह रही है हम ये करेंगे, 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया तो आज ये क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं इनके पास देने के लिए। अरे अशोक जी गहलोत अपने बेटे बिताने घर घर हो गए, कांग्रेस की साख रही का है। और आप मेरे साथ चलिए गली मोहल्ले में चलिए, हर व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेगा, क्यों? उस आदमी ने नरेंद्र भाई मोदी ने हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए लड़ाई है और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, और हिंदुस्तान को ऊंचा रखने के लिए हमें नरेंद्र भाई मोदी को शोक करना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। यदि इस बार निश्चित भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो भारत अमरीका और चीन और पाकिस्तान से ऊंचा रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसे राउत सर में पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो राउत सर में पहली बार आने पर आप लोगों के बीच जा रहे हो, कितना उत्साह है लोगों के बीच? जी हमें लोग टेलीफोन कर रहे हैं, योगी जी की सभा के लिए साधन तो और दो, हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी कह रहे हमारे जो हमने स्थान तय किया, तो मुझे तो अब ये दिल से ये लगने लगे है, मन से ये लगने लगे है कि ये स्थान हमारा छोटा रहेगा, इतने लोग आएंगे और आते रहते हैं। जब भी हमने बाबा रामदेव की यहाँ एक बार सभा कराई तब लोग खूब उड़े, ऋतुमराज जी की मीटिंग कराई थी तब भी खूब लोग उड़े, और वसुधरा जी की बार बार सभा कराई तब भी लोग खूब आते हैं। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति लगाव है, और उसी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 50,000 से कम जनता इकट्ठा नहीं होगी। अगर बात करें आपकी कार्यकाल की या फिर बात करें बीजेपी की, तो प्रमुख कौन सी ऐसी समस्या है लोकल की, जो आप अगर लोकसभा में आवारा बीजेपी का जो सांसद बनता है तो कौन सी प्रमुख समस्या है? हमारी तो मेन समस्या तो सेम की है, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ जब सब सेम के काम किया तो भारतीय पार्टी राज, कांग्रेस ने कभी काम सेम के लिए नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ का, यदि कांग्रेस लीडर कोई मेरे साथ बहस करना चाहे तो मैं बहस कर सकता हूँ कि इन्होंने कभी भी सेम के लिए काम किया, जबकि हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। पर मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राम प्रताप को, धन्यवाद दूंगा वसुधरा जी को, और धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई मोदी को, और धन्यवाद दूंगा भाई निहालचंद को, जो हमारी राजस्थान की नाल की खाड़ों की नहरों की जो स्थिति दयनीय थी, जिसके कारण से स्पेस हो रहा था, स्पेस के कारण से हमारी भूमि दलदल बनी थी, उससे मुक्ति दिलाई जा रही है। जो आपने पीछे देखा था पहली बार 60 साल के इतिहास में एक मकान बना लेते हैं ना, तो उसके 5 साल बाद में कारी कुटक लाते हैं, पर नहर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने इतना साल राज किया कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से उस नहर के कारण से हमारी जीवनदायी थी वो मरणदायी बन रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के राज में सोचा तो आज 2,000-3,000 करोड़ रुपये उस नहर पर लग रहे हैं, जिसका पूरा पूरा अंदर फिल्म लगाना और उसके बाद उस पर सीसी बनाना, जिसके कारण से हमारा रिसाव रुकेगा, हमारी सेम की परेशानी दूर भी होगी, ये मुद्दा है। दूसरी बात, हम कोशिश करें हम की बार के अवसर को रेल लाइन से जोड़ें, ये भी हमारा मुद्दा प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद जो शेष जीर्ण शीर्ण हाथ में जो नहर का काम बकाया है वो भी अगले साल हम पूरे पैसे केंद्र से ला करके उसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आम उस अंतिम छोर के किसान बैठा है उसको पूरा पानी मिले, और हमारे काश्तकारों का पानी पूरा हक उसमें मिले, क्योंकि स्पेस के कारण से पानी काफ़ी मतलब 20% 10% के लगभग जमीन में चला जाता तो वो जाना बंद हो जाए, जिस कारण से एक तो हमारी सेम की व्यवस्था सुधर जाएगी, सेम की स्थिति वो सुधर जाएगी, दूसरी हमारा पानी हमारे काश्तकार को अंतिम छोर तक पूरा मिलेगा। जाते जाते आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ क्षेत्रवासियों को भी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका लगन विश्वास मुझे दिख रहा है, उसके लिए मैं भी प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि
यहाँ एक बात चली थी कि ये क्षेत्र क्षेत्र की बात चलता है, ये मैं मानता था पहले, पर जिस प्रकार से आज मीटिंग की है, जिस पर हम गांव में जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो इस केजरीपाल की धरा पर मुझे ये विश्वास हो गया कि लोग सत्य का साथ देते हैं, असत्य का साथ नहीं देते। पर मुझे मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ रावसर क्षेत्र में पीड़ित में बात नहीं करता, रावसर क्षेत्र में हम 5 और 7 हज़ार वोटों के बीच में लीड लेंगे या क्षेत्रवाद की बात, क्योंकि जो स्थानीय उम्मीदवार है वो कभी लोगों से मिलने के लिए नहीं जाता था, ये मैं मेरे ग्राम की बात कह रहा हूँ, वो कभी किसी कारणों का नहीं गया, जिसके कारण से लोग उसको अनदेखी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की हर तरीके से विश्वास दे रहे हैं। और इसलिए मैं खुश हूँ, क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जिस हौसले के साथ और जिस विश्वास के साथ मेरा साथ दिया था, उससे ज़्यादा आप दे रहे हो, उसके लिए उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ।